बस उसको जितने स्टूडेंट्स भी आपके जितने हैं पहचान के मेंबर्स और आप लोग भी सर जितने मेंबर्स से कनेक्टेड हैं उन सबको एक बार आप रिक्वेस्ट भेजिए कि इस बात के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें कि ओल्ड को उसके बच्चे को इस साल एक्सटेंशन दे दिया जाए, वो इनका लास्ट यस अटेम्प्ट मैम, है। यस श्योर, यस मैम, मैं इस पर जरूर से आज ही वर्किंग करता हूँ, इफेक्टिवली वर्किंग करता हाँ हूँ मैम, सर, जरूर बहुत से। बहुत बड़ा एक इश्यू है, बहुत बड़ा कंसर्न है बच्चों का ओल्ड कोर्स के, स्पेशली जो जिनके लिए जस्टिस नहीं मिल पाया। जो ऑप्ट आउट करेंगे उनको तो ठीक है, बट बहुत से ऐसे हैं जो ऑप्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। एक एक देयर इज वन लेडी, उसका बेबी है, अनुराग ने भी बताया था, काफी डिटेल सब हमारे मिले थे, तो यस मैम, यस मैम, शी इज नॉट एबल टू ऑप्ट आउट, उसको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है फैमिली से। अर्चना गोयल, यस मैम, उसको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा फैमिली से। तो ऐसे लोग बेचारे, जेन्यून कंसर्न है उनका, जेन्यून कंसर्न है उसका, छोटा बेबी है, शी कुड नॉट स्टडी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, मैम बट दैट टू 5 5 मंथ ओल्ड। हाँ 5 month old baby, शी इज ऑल्सो नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। ऐसे जेन्यून कंसर्न है। अगर कितने हाँ कितने मेल्स हम भेजेंगे, देखिए ओल्ड कोर्स के बहुत से बच्चे हैं जिनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं बेचारे, वो कितने बारे कितने सारे मेल भेजेंगे वो आईसीआई को, अगर इंस्टीट्यूट ऑन इट्स ओन अगर वो डिसीजन ले लेते हैं ये वाला, तो बहुत रिलीफ मिल यस जाएगा। यस बहुत से जेन्यून केसेस हैं ये। आई ऑल्सो अग्री कि नवंबर में जो भी है कुछ लोगों ने मिस यूज किया, उसकी वजह से आईसीआई इज ऑल्सो वेरी मच कंसर्न, बट बहुत से जेन्यून इश्यूज भी हैं जो उस वजह से वो बेचारे वो ऑप्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट कोविड पॉजिटिव, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू ऑप्ट आउट, स्पेशली लास्ट अटेम्प्टर्स, उनके जेन्यून कंसर्न है मैम, जो एक और वो उनके मैम, एक पास और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट। एक हाँ मैम एक और ओल्ड कोर्स से क्वेरी आ रही मेरे पास कि उनके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट, कोविड पॉजिटिव सब कुछ है, बट वो लोग उन्होंने पढ़ाई की है, तो दे वांट टू अपीयर फॉर ग्रुप वन एंड दे विल प्रैक्टिस दैट ऑप्ट आउट ऑप्शन जो इंस्टीट्यूट ने दिया है इन सेकेंड ग्रुप। तो नवम्बर में जाके उन्हें सेकेंड ग्रुप ओल्ड में ही देने को पड़ेगा कि न्यू में देने को पड़ेगा? दे आर विलिंग टू गिव पेपर कि उनकी इतनी प्रिपरेशन हुई है कि फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन पेपर वो देना चाहते हैं, एंड इफ दे पास फर्स्ट ग्रुप तो सेकंड में वो ऑप्ट आउट करेंगे, उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो नहीं, बट अनुराग ओल्ड में अनुराग देंगे। लेट मी क्लेरिफाई, सेकंड में अगर उनको ऑप्ट आउट करना है जो भी आपका साइकिल है अभी जुलाई में, उसमें उन्होंने कुछ कुछ क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि पूरी साइकिल अगर आपने उसमें अपियर हुए हैं, उस कुछ कुछ पेपर रह जाते हैं तो आप कर पाओगे, लेकिन न्यू नहीं ओल्ड नहीं कोर्स के मैम, लिए क्लेरिफिकेशन नहीं है। ओल्ड कोर्स वाले तो ऑप्ट आउट करेंगे तभी उनको होगा, इन बिटवीन अगर कोविड हो जाता है किसी स्टूडेंट को, ओल्ड कोर्स हो चाहे न्यू कोर्स हो, इन दैट केस ओनली ही विल बी एबल टू ऑप्ट आउट, नॉट अदरवाइज, तो उनको नहीं मिलेगा रिलीफ। अगर वो सिर्फ इसलिए कि मेरे चार पेपर ठीक गए उसके बाद ऑप्ट आउट करेंगे, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ऐसा रिलीफ नहीं है इन बिटवीन एग्जाम, क्योंकि ऐसे शायद बच्चों ने किया था ओके, क्लास। इफ अगर अगर सर्टिफिकेट के थ्रू ऑप्ट आउट लेना है तो बिफोर एग्जाम, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ योर हाँ एग्जाम बिफोर आप कह बिफोर रही एग्जाम हैं। लेना होगा, या फिर इन बिटवीन एग्जाम अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए। अभी एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि मेरा अभी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, और वो दूसरे अपने होम टाउन जा रहा था जहाँ उसका एग्जाम है, बट ही कैन नॉट ट्रेवल, अब वो कैसे ऑप्ट आउट करेगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सी क्वेरीज हैं, जेन्यून मैम क्वेरीज। ऐसे जितने भी ये मेडिटेशन के तो बहुत ढेर क्वेरीज है, आप भी जितने भी जॉट डाउन किए अभी ग्रुप में उससे भी रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज है मैम। एक तो क्वेरी यही आ रही है मैम कि किसी के घर में 10 अप्रैल को कोई भी एक फैमिली मेंबर पॉजिटिव हो गया है तो घर सील कर दिया गया है, और लेटर 15 16 के बाद लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो चेक नहीं करा सकते मैम क्योंकि तो घर उनका सील है, और ये मान लिया गया है कि सब कोई पॉजिटिव हो गया बेस्ड ऑन सिम्टम्स, उनके साथ क्या कहना है करना है? ना तो वो अपने पेरेंट्स की दिखा सकते हैं जो भी जिनके रिलेटिव के डेफिनेशन में कि 10 तारीख की रिपोर्ट दिखा सकते हैं, ना तो ये खुद को प्रूव कर सकते हैं कि मैं 15 तारीख को पॉजिटिव था। हाँ ये भी ऐसे भी आए हैं, 15 के बाद जितने भी हैं स्टूडेंट्स उनको कंसिडर कर रहे हैं वो, बट 15 के बाद ये किया जा सकता है कि अगर 15 के बाद उनका कंटिन्यू रहा उनका कोविड ट्रीटमेंट, बिकॉज क्या हुआ था, बहुत से जो हैं उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया गया था,
कोविड के लिए टाइम ही नहीं था कि रिपोर्ट ली जाए, तो इमीडिएट स्टार्ट कर दिया था। मेरे खुद के फादर का रिपोर्ट आया था 5 डेज के बाद, हालांकि पॉजिटिव था, बट डॉक्टर ने इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था विदाउट एनी रिपोर्ट। और बहुत लोगों के तो ऐसे उनका ऐसे भी आया, बहुत लोगों का कि कोविड नेगेटिव आया, शायद रोहित सरदाना का अगर हम एग्जांपल लेंगे, आई थिंक उनका पॉजिटिव नहीं था रिपोर्ट में, बट उनके निमोनिया हो गया, उनका जो है काफी ज्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। ट्रीटमेंट तो चल रहा था और कोविड पॉजिटिव नहीं थे। मैम ऐसे बहुत सारे अपने पास ऐसे प्रैक्टिकल केसेज हैं जिन केसेज में कोविड रिपोर्ट इज नेगेटिव, बट अल्टीमेटली वो पेशेंट की मतलब सिचुएशंस खराब हो गई, फिर उनको या तो हार्ट अटैक या और कोई डिजीज की वजह से कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रही है, तो उनमें भी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इवन दो यू डू नॉट हैव दी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट इन योर हैंड, बट वो आपके था कोविड। Yes, yes. तो ये तो बहुत सारे डॉक्टर ने तो बिल्कुल बोल दिया था कि आप ये सारे सिम्टम्स हैं, आप समझ लो आप कोविड पॉजिटिव हो, तो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया था ताकि लोगों की लाइफ जो है सेव हो जाए, बच जाए, बहुत से लोगों को सेव कर पाए। उस वजह से बहुत लोग बच पाए और बहुत से लोगों को टेस्ट का कुछ पता ही नहीं था विलेजेस में, तो उन्होंने वेट किया टेस्ट का एंड मेनी पीपल डाइड, जब तक रिपोर्ट आई उनकी उनकी डेथ हो गई। ऐसे भी यस मैम, ऐसे बहुत से केसेस आए कि जब तक उनकी रिपोर्ट आई उन्होंने वेट किया तब तक उनकी डेथ हो गई। कुछ लोगों ने उसको रिपोर्ट के लिए वेट करना चाहा और पॉजिटिव आई, बहुत की नेगेटिव आने के बाद भी डेथ हुई है। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज एक्चुअली बहुत सीरियस है। नवंबर में ये इश्यू नहीं था, नवंबर में ये प्रॉब्लम नहीं थी, लास्ट ईयर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जो अभी सेकेंड वेव में आई है, इसलिए कंसीडर करना चाहिए। मैम प्रेजेंट सर ने बेस्ट है, अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई इसका मिसयूज करेगा। एक बच्चे ने अभी मुझे सजेशन दिया कि आप एग्जाम स्टार्ट होने के पहले जो है सभी रिपोर्ट्स ले लो जो भी स्टूडेंट्स की है, अगर वो बाद में भी उसको सबमिट कर पा रहे हैं उसको कंसिडर कर लिया जाए, जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं एग्जाम के पहले, बाद में भी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, मिलने में टाइम लग रहा है तो उसको कंसिडर करें, बट जो इन बिटवीन पेपर जो होंगे उसमें जो ऑप्ट आउट करेंगे वो सिर्फ उन्हीं को परमिशन दी जाए ऑप्ट आउट करने की। ओल्ड कोर्स का अलग है प्रॉब्लम, बट बाकी को तभी उनको परमिशन दी जाए ऑप्ट आउट की, अगर वो जेन्यून एक अपना रिपोर्ट देते हैं कि यस ही वॉज कोविड पॉजिटिव ड्यूरिंग द एग्जाम, या डॉक्टर का रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो इस तरह से मिस यूज जो है नहीं कर पाएंगे ज्यादातर लोग, उसके पहले जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं अपना।